प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री के बीच नई शिष्टमंडल स्तर की वार्ता हुई। प्रधानमंत्री ने कहा, बैठक का उद्देश्य दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करना। झारखंड विधानसभा में जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर सरकार ने दिया जवाब। भोजन अवकाश के बाद स्वास्थ्य विभाग के बजट पर हुई चर्चा। रांची में उत्कृष्ट विद्यालय के प्रबंधन समिति के सदस्यों का राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित। मुख्यमंत्री ने कहा, शिक्षित बच्चों से ही उन्नत बनेगा झारखंड, सामूहिक भागीदारी जरूरी। और खूंटी में खेले जा रहे इस जोन हॉकी प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज खेले गए चार मुकाबले। झारखंड की महिला टीम ने असम को 16-0 से किया पराजित। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता की। बातचीत के बाद अपने बयान में श्री मोदी ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य वैश्विक दक्षिण की आवाज को समर्थन देना और भारत जापान संबंधों को मजबूत करना है। उपयोगी रहेगी। प्रधानमंत्री किशिदा और मैं कई बार मिले हैं और हर बार मैंने भारत जापान संबंधों के प्रति उनकी पॉजिटिविटी और प्रतिबद्धता को महसूस किया है। इस साल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और जापान G7 की। आज मैंने प्रधानमंत्री किशिदा को भारत की G20 अध्यक्षता की प्राथमिकताओं के बारे में विस्तार से बताया। हमारी G20 अध्यक्षता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आवाज देना है। वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाली संस्कृति सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीनी नागरिकों के बीच भी बेहद लोकप्रिय हैं। चीनी नागरिक श्री मोदी को लाओसियन निक नेम से बुलाते हैं। आते हैं, लाओसियन शब्द का इस्तेमाल ऐसे व्यक्ति के लिए होता है जो अजय हो और जिसके पास विशेष क्षमता हो। ऐसे दौर में जबकि भारत और चीन के रिश्ते सहज नहीं है, मोदी की चीनियों के बीच लोकप्रियता और भी मायने रखती है। अमेरिका की रणनीतिक मामलों की पत्रिका द डिप्लोमैट में प्रकाशित लेख चीन में भारत को कैसे देखा जाता है, उसमें कहा गया है कि चीनियों के बीच भारतीय पीएम की काफी लोकप्रियता है। इंटरनेट मीडिया पर वे उन्हें मोदी लाओशियन नाम से पुकारते हैं। चीनी नागरिक मानते हैं कि मोदी अन्य नेताओं की तुलना में अद्भुत हैं, हटकर हैं। संसद के दोनों सदनों में आज भी लोकतंत्र पर राहुल गांधी की टिप्पणी और अडानी समूह के मुद्दों पर हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में हंगामे पर नाराजगी जताई है। लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही चलने की अपील की है। तख्तियां रखिए, पार्लियामेंट ये उचित नहीं है। माननीय सदस्य, ये सदन नारेबाजी के लिए नहीं है। माननीय सदस्य, तख्तियां रखिए, पार्लियामेंट पक्षण तख्तियां लेके नहीं आता। आप सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, हम आपको अलाउ करूंगा, निश्चित रूप से अलाउ करूंगा। प्रश्नकाल के बाद नियमों के तहत अगर मैं स्थगन खारिज करूं, उसके बाद आपको बोलने का अधिकार है। आप आए, बैठें, चर्चा करें, चेंबर में आए, चर्चा करें, सत्ता पक्ष भी आए, प्रतिपक्ष भी आए, रास्ता निकालेंगे, सदन चलाएंगे, आपके विषय मुद्दों को भी चर्चा करेंगे। संसद के दोनों सदनों में गतिरोध बरकरार है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है,
विदेशों में राहुल गांधी ने राष्ट्र का अपमान किया है, उन्हें माफी मांगनी होगी। इस प्रकार से राहुल गांधी ने पूरे देश की इज्जत को, देश को कलंकित करने का काम किया है। उनको आकर के माफी मांगना ही चाहिए, और अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो निश्चित रूप में देश की जनता तो उनको खदेड़ेगी। जब वक्त आएगा तो उस समय वो खदेड़े जाएंगे और ये देशद्रोहियों के श्रेणी में जाने जाएंगे। लेकिन क्या बीच का रास्ता कुछ निकालना नहीं चाहिए? फाइनेंस बिल लटका हुआ है, कई विभागों पर चर्चा होनी है, तो बीच का रास्ता सत्ता पक्ष को भी निकालना चाहिए। भाई सत्ता पक्ष के बीच की रास्ता, हम देश मेरे लिए महान है, अगर देश का हमारे लिए, अगर देश के बारे में अगर कोई इस प्रकार का गलत बयानी करता है तो हम निश्चित रूप से हम उसकी निंदा करेंगे, उसको झुकाएंगे, क्यों नहीं। उन्होंने अगर ये गलत शब्द कह दिया, जिसको जो मन में आए लोकतंत्र के बारे में, अरे भारत का लोकतंत्र तो इतना मजबूत है, यार दुनिया इस बात को लोहा मान रहा है। वर्ष 2019 से वर्ष 2021 तक देश में राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे पर सड़क दुर्घटनाएं बढ़ी हैं। इन तीन वर्षों में 3,82,512 सड़क दुर्घटनाएं हुई। इस दौरान झारखंड में 5,736 सड़क दुर्घटनाएं हुई और इनमें 4,291 लोगों की मौत हुई। लोकसभा में सांसद संजय सेठ के एक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी दी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 13वें दिन आज सदन में राज्य के भूगर्भ जलस्तर का मुद्दा जोर शोर से उठा, साथ ही साथ कई अन्य मुद्दों पर विधायकों के सवालों का प्रभारी मंत्री ने जवाब दिया। भोजनावकाश के बाद सदन के स्वास्थ्य विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद विभाग के 70,40,90,00,000 रूपये से अधिक की अनुदान मांग को ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान की गई। पहले होता था 110.90, अभी बढ़कर संस्थागत प्रसव 75.80 हो गया। अध्यक्ष महोदय, पूर्व टीकाकरण 110.90 था, वो 94% हो गया है। महीना तीन महीना पर नहीं होनी चाहिए, एक बार दवा की आपूर्ति करें, उसे टेंडर निकलवावे और जब सब दवा आ जाए तो उसको वितरण करें, ताकि कमी नहीं हो दवा। जो अभी जो हल्ला हो रहा है, रिम्स में दवा नहीं है, कोई हॉस्पिटल में दवा नहीं है, जिला में दवा नहीं है, तो इस तरह की व्यवस्था ही करें, मेरा सुझाव है। भाजपा विधायक विरंची नारायण ने आज विधानसभा में शून्यकाल के माध्यम से बोकारो सदर अस्पताल में बर्न यूनिट की शुरुआत करने की मांग की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने इस मुद्दे पर जानकारी दी। कौन कर रहा है, हंगामा नहीं हो रहा है क्या? शराब घोटाले पे सवाल करना हंगामे करने के जैसा है क्या? खनिज संपदा लूट रही है सरकार, डकैती डाल रही है, चोरी करवा रही है, उस पर सवाल उठाना हंगामा करना है? अब जब सरकार सवालों का सही जवाब नहीं दे तो प्रतिपक्ष का धर्म हम अदा करें कि नहीं करें, आप बताइए। क्या झारखंड के नौजवानों के लिए बेरोजगार मांगना हंगामा करना है? ये जो मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा है, चाहे खनिज संपदाओं की लूट का मुद्दा है, या फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा है, तीनों के तीनों मुद्दे ऐसे हैं जिस पर सरकार नतमस्तक है। आजसू पार्टी सुप्रीमो और विधायक सुदेश महतो ने आज राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री महतो ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधा मुहैया कराना राज्य सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है, लेकिन सरकार इसमें पूरी तरह विफल रही है। जवाबदेह विभाग होना चाहिए, उस विभाग गैर जवाबदेह तिकरा आचरण कर रहा है, ये जिम्मेदारी लेना चाहिए। जिम्मेदारी सबसे ज्यादा स्वास्थ्य हेल्थ का सबसे बड़ा जिम्मेदारी है, जो जीवन से जुड़ा हुआ है, जिसको हमेशा सचेत सतर्क रहना चाहिए, वहां ये अवस्था है। झारखंड विधानसभा में पारित नियोजन नीति और पिछड़े वर्ग के आरक्षण के संबंध में झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि यह सरकार का काफी सोच विचार कर उठाया गया कदम है, इससे राज्य में रुके हुए नियुक्ति प्रक्रिया को गति मिलेगी। पॉलिसी उनके द्वारा जो बनाया गया है, अभी थोड़ा अध्ययन करने की भी जरूरत है, लेकिन जो पूर्व में जो नियोजन नीति थी, फिर बाद में नियोजन नीति आया, वैकल्पिक व्यवस्था बिल्कुल सही है, चूंकि लंबे समय से यहाँ के लोगों का, जो नौजवान बेरोजगार लोग,
उसके साथ नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ नहीं होने के कारण उनका एज लैप्स हो जा रहा, अभी तो एज में भी रिलैक्सेशन मिला है, इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था है, नियोजन की प्रक्रिया भी इस पर आरंभ हो जाएगी, इसलिए ये अच्छा कदम है सरकार का। भारत की अध्यक्षता में G20 के अंतर्गत सिविल 20 की पहली बैठक आज नागपुर में आयोजित हुई। 2 दिनों के इस बैठक में दुनिया भर के सामाजिक संगठनों को यह बताने का अवसर मिलेगा कि G20 के नेताओं से जनता की क्या अपेक्षाएं हैं। भारत की अध्यक्षता में G20 के अंतर्गत सिविल 20 इंडिया की बैठक आज से नागपुर में हो रही है। 2 दिन की इस बैठक में दुनिया भर के सामाजिक संगठनों को यह बताने का अवसर मिलेगा कि G20 के नेताओं से जनता की क्या अपेक्षाएं हैं। उद्घाटन सत्र में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी और आध्यात्मिक गुरु माता अमृता नंदमयी मौजूद रहेंगी। ये बैठक 2 दिन की है और इस दौरान सिविल सोसाइटी संगठनों, गैर सरकारी संगठनों के परिप्रेक्ष्य पर बातचीत होगी। स्वास्थ्य, पर्यावरण, कला और शिल्प जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में लगभग 250 प्रतिनिधि और 30 वक्ता भाग लेंगे। प्रतिनिधियों को 22 मार्च को नागपुर के पेंच बाग अभ्यारण और अन्य पर्यटन स्थलों को देखने का मौका भी मिलेगा। रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत स्टेडियम में आज उत्कृष्ट विद्यालय के प्रबंधन समिति के सदस्यों का राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के सभी गरीब बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 80 विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालय के तौर पर चिन्हित किया गया है। श्री सोरेन ने कहा कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षित किए बिना समृद्ध झारखंड की परिकल्पना नहीं हो सकती। उन्होंने सामूहिक भागीदारी पर जोर देते हुए कहा कि विद्यालयों के बेहतर संचालन के लिए अभिभावकों को भी समाज के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। देखरेख में चलता है और प्रबंधन समिति की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है आने वाली पीढ़ी को एक शिक्षित और एक काबिल, चाहे वह बौद्धिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, उसको उसमें मजबूती प्रदान करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है। आज उसी प्रबंधन समिति के साथ हम लोग यहां एकत्रित हुए हैं और ये बताने के लिए कि सरकार ने एक चुनौती ली है। यूं तो बरसों से हम शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ब्रिटेन में हाई कमीशन पर हमला करके चरमपंथियों ने कामकाज में बाधा डालने की कोशिश की है। इस घटना पर भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। दिल्ली स्थित ब्रिटिश उच्चायुक्त को तलब कर लंदन में हुई इस घटना की निंदा की गई है। घटना पर भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। दिल्ली स्थित ब्रिटेन के उच्चायुक्त को तलब किया गया है और लंदन में हुई इस घटना की निंदा की गई है। भारत सरकार की ओर से कहा गया है कि ब्रिटिश सुरक्षा व्यवस्था का इस तरह से अनुपस्थित रहना गहरी चिंता का विषय है। भारत ने इस मामले में मांग की है कि ब्रिटिश सरकार फौरन दोषियों की पहचान करे और उनकी गिरफ्तारी समेत जरूरी कार्रवाई करे। भारत के इस रुख के बाद ब्रिटिश उच्चायुक्त ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत हिंदू धर्मावलंबियों को द्वारिका और सोमनाथ के लिए रवाना किया गया। राज्य के विभिन्न जिलों से आए हुए 60 वर्ष से अधिक उम्र के यात्रियों को हटिया रेलवे स्टेशन से पर्यटन, कला, संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग के पदाधिकारियों ने तीर्थ यात्रियों को रवाना किया।
कोडरमा के उपायुक्त आदित्य रंजन ने मतदाताओं को वोटर कार्ड से आधार को जोड़ने को लेकर जागरूकता रथ को रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह रथ जिले के विभिन्न प्रखंडों में जाकर मतदाताओं को जागरूक करने का काम करेगी। इस अवसर पर जिला प्रशासन के कई अधिकारी और उप निर्वाचन पदाधिकारी जयपाल सोए भी मौजूद थे। साइबर अपराध अनुसंधान विभाग के अधिकारियों ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि साइबर अपराध की दुनिया में अब कई पेशेवर सॉफ्टवेयर डेवलपर जुड़ गए हैं। ये तकनीकी रूप से काफी मजबूत होते हैं और नकली ऐप और साइट बनाकर लोगों के गाढ़ी कमाई को ठगने का काम कर रहे हैं। अधिकारियों ने लोगों से सजग रहने की अपील की है। अभियुक्त के घर से चोर चावल के ड्रम के अंदर से बरामद किया गया है, जो उसने छुपा के रखा हुआ था। ये उसकी जो स्वीकारोक्ति बयान है उसके अनुसार ये ठगी किया हुआ पैसा था जो उसने बैंक से निकालकर अपने यहाँ पर छुपा के रखा हुआ था। विश्व मुख दिवस के अवसर पर कोडरमा के सिविल सर्जन कार्यालय में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि इस वर्ष विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस पर अपने मुंह पर गर्व करो स्लोगन देने का उद्देश्य अपने मुख का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जब मुख स्वस्थ रहेगा तभी सारा शरीर स्वस्थ होगा। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम अगले 20 अप्रैल तक चलेगा। लोहरदगा के उप विकास आयुक्त समीरा एस की अध्यक्षता में जिला खाद्य सुरक्षा परामर्शदात्री समिति की बैठक हुई। बैठक में 11 प्रकार के प्रतिबंधित पान मसालों की बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने बताया कि प्रतिबंधित पान मसालों के विक्रेताओं से अब तक 52,000 रूपये का जुर्माना वसूला गया है। इधर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय संचार ब्यूरो रांची की ओर से रामगढ़ में आज 3 दिवसीय मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन रामगढ़ की उपायुक्त माधवी मिश्रा और केंद्रीय संचार ब्यूरो रांची के अपर महानिदेशक अखिल कुमार मिश्रा ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर उपायुक्त ने प्रदर्शनी से जुड़ी विशेषताओं की जानकारी दी और कहा कि प्रदर्शनी का उद्देश्य आजादी का अमृत महोत्सव के माध्यम से झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों के संबंध में जानकारी देना और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को अवगत कराना है। इस क्षेत्र में क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी शाहिद रहमान ने प्रदर्शनी थीम की जानकारी दी। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी रांची के धुरवा स्थित दिशोम जाहिरगढ़ में आयोजित समारोह में शामिल हुए और जाहिर आयो मरांगगुरु का आशीर्वाद ग्रहण किया। विधायक सरयू राय ने जमशेदपुर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित बैडमिंटन चैंपियनशिप में शामिल होकर अपने हाथ आजमाए। इस दौरान उन्होंने चैंपियनशिप के प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। पश्चिमी सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा ओडिशा में आदिवासी हो गलंग कमेटी द्वारा आयोजित नेशनल हो गलंग जुमूर में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा एवं ओत गुरु कोल लाको बोद्रा के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किया। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने रांची स्थित अपने आवास पर जलाशय बागान और गौशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गौशाला में गौ माता का आशीर्वाद लिया एवं बागान में आर्गेनिक सब्जियों के उत्पादन को देखा। राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया 2 चरणों में शुरू होगी। पहले चरण में तबादले की प्रक्रिया 28 मार्च से शुरू होगी, वहीं दूसरे चरण की प्रक्रिया 25 अप्रैल से शुरू होगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी गठित की। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो जामताड़ा में आयोजित आदिवासी महासभा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आदिवासी सभ्यता और संस्कृति ही विश्व को संतुलित रख सकती है। पलामू टाइगर रिजर्व इलाके में एक लंबे अरसे के बाद बाघ को देखा गया है और उसकी तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। इससे वन कर्मियों में उत्साह देखा गया। 3 दिन पूर्व यूपी में गुमला के एक मजदूर की मौत हो गई थी। श्रम विभाग के प्रयास से शव बिशनपुर प्रखंड अंतर्गत डीपाडी उनके पैतृक गांव लाया गया। इससे पूर्व पूरे गांव में मातम छा गया। जमशेदपुर में 2 दिवसीय मिथिला महोत्सव का समापन रंगारंग कार्यक्रम के साथ हो गया। ललित नारायण मिश्र सामाजिक एवं सांस्कृतिक कल्याण समिति के द्वारा आयोजित इस महोत्सव के आखिरी दिन मिथिला हाट और वहां लगे मिथिलांचल के व्यंजनों का स्टॉल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। खूंटी में खेले जा रहे इस जोन हॉकी प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज महिला वर्ग में 3 और पुरुष वर्ग में 1 मुकाबले खेले गए। झारखंड की महिला टीम ने तीसरे मुकाबले में असम को
16-0 से पराजित किया, जबकि पुरुष वर्ग में ओडिशा की टीम ने असम को 0 के मुकाबले 14 गोल से पराजित किया। पहला मैच मिजोरम और ओडिशा के बीच खेला गया, जिसमें ओडिशा की टीम ने 1-2 से मिजोरम को पराजित किया। वहीं बिहार और बंगाल के बीच खेले गए दूसरे मुकाबले में हॉकी बिहार ने बंगाल को 0-5 पराजित किया। सिमडेगा में जिला स्तरीय सब जूनियर महिला एवं पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के लिए प्रखंड स्तर पर खिलाड़ियों का चयन ट्रायल शुरू हो गया है। हालांकि मैट्रिक और इंटर परीक्षा के बाद जिला स्तरीय महिला एवं पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। चयन को लेकर हॉकी सिमडेगा के पदाधिकारी विभिन्न प्रखंडों का दौरा करेंगे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बीएसएस स्टेडियम में हो रहे सैफ अंडर 17 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में भारतीय महिला अंडर 17 फुटबॉल टीम ने आज अपने पहले मैच में नेपाल को 4-1 से पराजित कर शानदार शुरुआत की। मैच में झारखंड की बेटी सिलजी साजी ने 3 गोल जबकि शिवानी टुप्पो ने 1 गोल किया। Going so well, Deepa, and number 9, Shukri was trying her best to take the position, but Indian lost the position here. That is a goal kick for India. Khushi Kumari is very, very happy. She has done her job beautifully. India on charge. राज्य में पिछले कुछ दिनों से मौसम में भारी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। आज भी राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में तेज हवा और गरज के साथ बारिश हुई। पिछले 3 दिनों से मौसम में हुए इस बदलाव की वजह से सवेरे और शाम ठंड का एहसास होने लगा है। कई जगहों पर तापमान करीब 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे लुढ़क गया है। आगामी दिनों में भी ऐसे ही हालात बने रहने की संभावना है। थोड़ा सा जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का उसमें थोड़ा कमी आएगी और आपको कुछ कुछ स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी और साथ में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग और जो हवा की गति है 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे आपको देखने को मिलेगी। और 22 तारीख से ये जो बारिश है इसमें काफी कमी आएगी और कुछ ही इलाकों में आपको हल्की बारिश देखने को मिलेगी थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ में। और जो 23 और 24 है ये दोनों दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि अभी जो मौसम चल रहा है इसके कारण से जो अधिकतम तापमान है उसमें काफी गिरावट देखने को मिली है। और पूरे झारखंड की बात करें तो पूरे झारखंड में अधिकतम तापमान 30 के नीचे ही चल रहा है, जिसके कारण से मौसम काफी सुहाना हो रखा है लोगों। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 25.2 और न्यूनतम 14.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 28.9 और न्यूनतम 16.4 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 27.5 और न्यूनतम तापमान 17.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर मिस्ड कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माई गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माईगोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 26 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। सेहत की बात में आज यूरिन संक्रमण से बचाव और उसके निदान के बारे में जानते हैं। मूत्र मार्ग में संक्रमण की समस्या आम है जो महिलाओं में अधिक देखी जाती है।
महिलाओं में पुरुषों के कंपैरेटिवली यूरिन में संक्रमण या यूरिनरी इन्फेक्शन या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको हम कहते हैं वो कहीं ज़्यादा कॉमन होता है कंपेयर टू मेन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लक्षण महिलाओं में और पुरुषों में सिमिलर होते हैं, बार बार पेशाब जाना, पेशाब में जलन होना, या अगर संक्रमण बहुत ज्यादा होता है, इन्फेक्शन ज्यादा होती है तो फीवर आता है। संक्रमण यदि ब्लैडर यानी पेशाब की थैली तक ही सीमित रहे तो दर्द का लक्षण उत्पन्न होता है। यदि संक्रमण गुर्दे व अन्य भागों में फैल जाए तो समस्या बढ़ जाती है। एक बहुत जरूरी चीज जो है जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वुमेन में प्रिवेंट करने के लिए की जा सकती है वो है हाइजीन, एकदम सफाई रखना और सफाई के बाद उसको ड्राई रखना, उसको सारे पेरिनियल एरिया जो है एकदम पोंछ के ड्राई करके सूखा रखना जो है, क्योंकि गीले उसमें चाहे वो पसीने का गीलापन हो या सफाई का पानी का गीलापन हो उसमें बैक्टीरिया ग्रो करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और मोस्ट ऑफ दीज बैक्टीरिया ये जो आते हैं वो नॉर्मल लेटरिन के रास्ते से आते हैं और लेटरिन के रास्ते में वहां पे संक्रमण होने का रिस्क ज्यादा रहता है। और सफाई रखना और ड्राई रखना ये दो चीजें बहुत जरूरी होती है। इलाज संक्रमण का इलाज मेनली एंटीबायोटिक से होता है और अगर जिस कारण से पहली बार हुआ अगर पहले से सफाई और हाइजीन ठीक से नहीं रहा तो दोबारा होने का रिस्क भी रहता है। और जिनको बार बार ऐसा संक्रमण होता है तो उनको डिटेल टेस्ट करवाने चाहिए। मूत्र संक्रमण का इलाज करवाना जरूरी है, सावधानी रखी जाए तो मूत्र संक्रमण के खतरे को कम किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री के बीच नई शिष्टमंडल स्तर की वार्ता हुई। प्रधानमंत्री ने कहा बैठक का उद्देश्य दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करना। झारखंड विधानसभा में जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर सरकार ने दिया जवाब। भोजनावकाश के बाद स्वास्थ्य विभाग के बजट पर हुई चर्चा। रांची में उत्कृष्ट विद्यालय के प्रबंधन समिति के सदस्यों का राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित। मुख्यमंत्री ने कहा शिक्षित बच्चों से ही उन्नत बनेगा झारखंड, सामूहिक भागीदारी जरूरी। और खूंटी में खेले जा रहे ईस्ट जोन हॉकी प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज खेले गए चार मुकाबले। झारखंड की महिला टीम ने असम को 16-0 से किया पराजित।